जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या आप ऋषि कात्यायन के बातों से दुखी हैं माँ? तब रोने का कारण? बिना सत्य जाने किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी के प्रति कोई धारणा स्थापित कर लेना, सदैव दुखता ही होता है शिव। कैसा निष्कर्ष माँ और कैसी धारणा? जानता है शिव, हम यहाँ संयोग से नहीं आए, हमें यहाँ नियति ने भेजा है। माँ आपने बताया है माँ, नियति कोई भी कार्य अकारण नहीं करती, फिर हमें यहाँ भेजने का कारण क्या हो सकता है? देवी पार्वती की सहायता करने के लिए हमें उनकी सहायता करनी होगी शिव। उनके बोलने की शक्ति और खोई हुई स्मृति को हमें वापस लाना होगा शिव, ताकि वो फिर से वास्तव में देवी पार्वती के रूप में लौट सके। आप उचित कह रही हैं माँ, यदि आप आज्ञा दें तो मित्र के सहायता के लिए मैं यहाँ रुक जाऊं। तो यहाँ अकेला क्या करेगा शिव? प्रभु, प्रभु आप मुझे अपने साथ रहने की अनुमति दे दीजिए। मैं भी माता की स्मृति वापस लाने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। पहले मुझे माँ से तो आज्ञा मिल जाए नंदी जी। तुम दोनों को मेरी आज्ञा है, नंदी जी आप भी यहाँ अनायास नहीं आए हैं, आपको भी नियति ने ही यहाँ भेजा है ताकि आप मेरे शिव के साथ रहकर देवी पार्वती की सहायता कर सके। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।